तो अभी क्या किया हम लोग जस्ट ऑन द लोकेशन पे, तो अभी हम ऑफ रोडिंग पे घुसने वाले हैं। तो अभी रवि सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सबको फोर व्हील डिप्लॉय करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी गाइस, बिकॉज मैं को वीडियो बनाने का या बोलने का कुछ भी मौका नहीं मिल रहा है, वी आर सो बिजी। तो अभी धीरे धीरे तुम लोग को पता चलेगा, मैं कैमरामैन से शॉट्स लेके सारे अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही। एंड अभी हमारे यहाँ पे जो यहाँ के टी स्टेट के जो मैनेजर है इज ऑल्सो हियर, एंड मिस्टर रॉय वो भी है हमारे साथ। तो इन्होंने जस्ट ड्राइव की हमें, जहाँ से फोर व्हील हमें डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ से हमें ज्वाइन किया है ऑफ रोड के एरिया से। तो हम उनकी गाड़ी में फटाफट स्टिकरिंग कर देते हैं, उसके बाद जाके हम लोग उतारेंगे अपना अल्टीमेट सरप्राइज, जो कि तुम लोग अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है और तुम लोग को मज़ा आने वाला है। बिकॉज सिलचर में फर्स्ट टाइम ऐसा एक एडवेंचर इवेंट हम लोग लेके आए हैं, मंदिरा गेटस्केप, जो कि तुम लोगों ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, स्पेशली इन सिलचर। नॉर्थ ईस्ट में तो वगैरह मैं आ चुका है, long and long queue. फाइनली वी आर हेयर, हम लोग अभी फाइनली लोकेशंस पे आ चुके हैं और नाउ आई कैन रिलीज दिस इज घंटीबाड़ी। हम लोगों ने एक बहुत लंबा ट्रेल किया है, उस ट्रेल के बाद एक हल्का सा मतलब एक एक्सपीरियंस देने के बाद ऑफ रोडिंग का हम लोग फाइनली द फाइनल लोकेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द ट्रेल बिकॉज ट्रेल स्टार्ट करने से पहले इन लोग को बिफरिंग करना और इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि अनलेस वाटर रिवर क्रॉसिंग के समय गाड़ियाँ ना फंस जाए। मैं और रवि सर थोड़ा बिजी है इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। गाइस जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट, टोटली अरे यार क्या टेडी जब मैं बोलूंगा ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। थोड़ा गड़बड़ हो गई है, और ये थोड़ा गड़बड़ी होते हैं एंड ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे विंग चीफ।
गाड़ी स्टक हो गई थी मिडिल में एंड उसका फोर लोअर डिप्लॉय करने के बावजूद भी वो स्टक हो गया, बट इट्स फाइन नाउ। थार से उसको इजीली बाहर निकाल लिया स्कॉर्पियो को, सो विल कैरी ऑन अगेन। दोबारा ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ मिनट। Questions, answers. And we are running to the third one. The experience is. But this is his first time for this. Two trainers over here, and the car is coming. Aap us help. Lovely. Lovely, lovely. Yeah, let's go. कैसा लगा? Awesome. You could feel that current hitting you and pulling your vehicle. थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं समझ रहा है। इस जगह पे ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। आपका लाइन एकदम परफेक्ट लाइन था, ये वाला गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया। एक्चुअली मैंने बहुत ही जेंटल वे में एग्जैक्टली वही डायरेक्शन फॉलो किया। इट्स लवली। नहीं ये ठीक है, ये लाइन ठीक है। अब खाली राइट नहीं जाने से होता है, राइट में जाएगा एक बोल्डर है। राइट ही जा रहा है यार, ये बोल्डर के पास से आना चाहिए। हाँ हाँ, कैसा लगा आपको? खतरनाक। बच्चा थोड़ा दूर हट जाओ। मास्क तो लगा ले। साइड से ना थोड़ा हट जाओ, पीछे की तरफ। हां नहीं, और पीछे आओ। बाय चांस ये गिर जाएगा तो? बाय चांस ये गिर जाएगा तो फिर हो गया खतरनाक। ये देखिए तब आप लोग अपनी स्विमिंग की कैपेसिटी दिखाना, भाग भाग के पकड़। लेकिन यहाँ पानी अगर वो भी नहीं है कि मैं अगर कूदूं ना सीधा मेरा मुंह जाएगा पत्थर के अंदर। थिंग इज व्हाट कि अगर यहाँ पे व्हीकल फंसता है तो उसको निकालने के लिए जो प्रॉब्लम आने वाला है
क्योंकि हमें पानी में लिटरली जाना पड़ेगा उसके अंदर, उसके बाद ही हम उसको लॉक कर सकते हैं। ये एक्सीलेट नहीं दे रहा है, ये वाला गाड़ी जो अभी आ रहा है ना, एक्सीलेट करो, ये एक्सीलेट नहीं कर रहा है, एक्सीलेट करने। तो ट्रेल फाइनलाइज करना और ट्रेल बनाना एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पे रवि सर हैं, रवि सर ये देखो देख रहे हैं कि कहाँ से थार्स की एंट्री हो सकती है या 4x4 व्हीकल की, 4x2 व्हीकल की, और मैं जा रहा हूँ रिवर क्रॉसिंग की तरफ। तो यहाँ पर आज हम लोग स्कॉर्पियो लेके आए हैं, बट कल थार लेके आएंगे और प्रैक्टिकली उसी ट्रेल को करेंगे जो ट्रेल 8 तारीख को होने वाली है। सो नॉर्मली क्या होता है कि पहले जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं यहाँ पे किसी भी एडवेंचर इवेंट में, आप पहले उस ट्रेल को खुद करते हैं, उसके बाद जाके कॉम्पिटिटर्स को वहाँ पे लेके आते हैं। सो एग्जैक्टली वही होने जा रहा है, पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से, जो जो करवाने वाले हैं वो खुद करेंगे और 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, जब वो कन्फर्म्ड हो जाएगा सेफ्टी गाइडलाइंस सब कुछ चीज़ें देख के, उसके बाद जाके आप लोग करोगे। ओके, तो मैं ज़्यादा कुछ कैमरे में अभी बोल भी नहीं सकता हूँ, इट्स टॉप सीक्रेट, वैसे भी बिहाइंड द सीन है, बहुत बाद में आने वाला है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, गुड लोकेशन, इट वुड बी फन डूइंग अ ऑफ रोड हियर। एग्जैक्टली, और काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जा रहा है ना सर, इट्स रियली गुड टू एक्सप्लोर आउट हियर। ओह माय गॉड, डाउटेडली रवि सर। अरे सर, आई कैन फील आपको मज़ा आ रहा है। द कस्टमर्स, द पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू हैव अ फन। अभी जो ट्रेल था, यस सर, यू वांट टू क्रॉस हियर? या नहीं, नॉट फ्रॉम दैट साइड, सामने जाके सर, हम चाहे तो पानी के रास्ते से भी जा सकते हैं, बट डिपेंड, वैसे है ना, हाँ वैसे नॉर्मल वैसे है, जा तो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आफ्टर पानी बढ़ने के बाद से यहाँ पे कोई खड्डा होगा कि नहीं होगा। वी आर प्लानिंग किस तरीके से हम लोग ट्रेल बनाएंगे, क्योंकि आज ट्रेल बना के हमें तैयार कर देना है। आज अच्छी क्लास होने वाली है थार की।
यहाँ पे अभी ट्रेल बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेल, जो कि खूबसूरत मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, एडवेंचर ट्रेल कभी खूबसूरत नहीं होते, उन्हें खूबसूरत बनाया जाता है राइड करके। तो जेसीबी भी लगा हुआ है। रवि सर अभी दूसरे जोन पे गए हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, तब तक ये काम ख़त्म करवाना है जल्दी से जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज 8 तारीख को रैली है और आज 6 तारीख है। सो वो फॉर द बेस्ट। हाँ हाँ सीधा ऐसा ऐसा ही जाएगा, इसी लाइन पे जाएगा एग्जैक्टली। अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है भाई, इसे बराबर करना ना, इसे बराबर करना है यहाँ पे। सर अभी ट्रेल को दोबारा ट्राई करने वाले हैं कंफर्मेशन के लिए, लेट्स सी। फुल ऑन व्हील के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन और आज के गुस्से को निकाल रहे थे लिटरली। इट वाज रियली अमेजिंग, आई कांट बी, आई लिटरली वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू गाइस सीरियसली। लगता है ऊपर से व्हेन द व्हीकल्स आर हियर क्या सुंदर शॉट आएगा, ड्रोन लो ग्राउंड से ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर रहा होगा और सारे व्हीकल्स सारे नीचे की तरफ आ रहे होंगे। ओह माय गॉड, चाय बगान ऐसा शॉट तो किसी को भी नहीं मिला होगा सीरियसली। ये बहुत ही मजेदार बात बोला पीछे से भाई ने कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था, अचानक से कैसे आ गया एक तूफान।